नमस्ते, मैं सुमनलता दीक्षित। आज मैं अपनी किचन में आलू मटर और मेथी की सब्जी बनाने वाली हूँ। चलिए देखते हैं कैसे बनानी है। ये आलू मटर मेथी की सब्जी बनाने के लिए मैंने 1 पंच मेथी खा ली है, जिसको मैंने पत्ते तोड़ के अच्छे से धो के काट लिया है बारीक बारीक। 5 आलू मीडियम साइज़ के, जिनको मैंने चॉप कर लिया है। आलू जो है वो ज़्यादा मोटे ना रखें, छोटे साइज में काटें। सरसों का तेल, हींग, नमक, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी, गरम मसाला, मटर, 1 कप मटर, थोड़ा सा हरा धनिया, अदरक ग्रेट किया हुआ और 2-3 मिर्चें हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने गैस पे पैन रख दिया है। अब गैस को ऑन करके मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इस सब्जी में मस्टर्ड ऑयल ही अच्छा लगेगा। आपको ना पसंद हो तो कोई और भी डाल सकते हैं। अब इसको हम गर्म होने देंगे। जीरा डालेंगे, जीरा हमारा जो है वो तड़क चुका है। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू हमने डाल दिए, इसमें अब हम ग्रेटेड जिंजर और हरी मिर्ची डालेंगे। हल्दी डालेंगे, और इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। आलू को हम थोड़ी थोड़ी देर के बाद चलाते हुए पकाएंगे। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं आलू कितने पक गए हैं। आलू हमारे पक गए हैं, बस हल्के से इसमें और पकने हैं। तो अब हम इस स्टेज पे इस पे हींग, नमक थोड़ा ही डालेंगे, थोड़ा बाद में डालेंगे मेथी डालने पे, धनिया पाउडर, और मटर डालेंगे। मेथी हम लास्ट में डालेंगे, क्योंकि मेथी जो है वो बहुत जल्दी पक जाएगी, इसलिए हम उसको बाद में डालेंगे। अब हम इसको पकाएंगे ढक्कन लगा के। आलू पकाते वक्त मैंने गैस को स्लो किया था, अब इसको हम मीडियम कर देंगे। अगर फ्रोजन मटर हैं तो उसको 2-3-4 मिनट में पक जाएंगे, अगर फ्रेश हैं तो 5-6 मिनट ढक्कन लगा के पकाएं। अब हम ढक्कन हटा के देखेंगे, मटर पक गए हैं हमारे।
बीच बीच में इनको चलाते रहें, नहीं तो जल जाएंगे। इस वक्त हमने गैस जो है वो मीडियम की हुई है। अब हम इसमें मेथी हरा धनिया थोड़ा सा नमक, नमक जो है वो आप अगर आपने पहले भी थोड़ा डाला है तो अब भी देख के डालें उसको, और गरम मसाला। से मिक्स कर लेंगे। मेथी को अपने ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि ये पत्ते बहुत जल्दी पक जाएंगे और इसके जो है पौष्टिक तत्व जो है वो खत्म हो जाएंगे। एक दो टेबलस्पून के बराबर में हम पानी डालेंगे। इससे ये मिक्स हो गए अच्छे से, ये सब चीज़ें आपस में मिक्स होकर पक जाए मीडियम गैस पे। अब हम ढक्कन हटा के चेक करेंगे। हमारी ये आलू मटर मेथी की सब्जी बनकर तैयार है। बस इसमें एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, एक तो आलू को हमने पहले से काट के नहीं रखना है, और दूसरा ये जो मटर है अगर फ्रोजन मटर है तो ये आलू गलने पर ही डालें, और अगर फ्रेश मटर है तो आलू गलने में अभी थोड़ा ही गल चुके हों, थोड़े से रहते हों गलने के लिए, तब डाल दें। और फिर दोनों चीज़ें पक जाएं तो फिर मेथी जो है वो डालें। मेथी को पकने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पत्ते हैं, इनको हमने ज़्यादा देर नहीं पकाना है। 5 मिनट में हमारी ये मेथी डाल के सब्जी तैयार हो गई है। अब हम इसको सर्व करेंगे। ये हमारी आलू मटर मेथी की सब्जी बनकर तैयार है। ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी स्वादिष्ट है ये। आप मेथी को उबाल के बिल्कुल भी ना बनाएं। पहले जो मेथी आती थी वो कड़वी होती थी, लेकिन आजकल वो मेथी नहीं आती है, और मेथी उबालने से इसके पौष्टिकता भी ख़त्म हो जाती है। आप इसको डायरेक्ट पत्ते तोड़ के और काट के धो के अच्छे तरह से, क्योंकि जो पत्ते वाली सब्जी है उसमें मिट्टी बहुत होती है, अच्छे तरह से धो के काट के फिर इसको डायरेक्ट ही डालें, और बाद में डालें इसको। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।